हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हमारे चैनल का नाम है अभिरुद कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेंट का हम एस्टीमेट कैसे लगाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेंट। तो आज मैं आपको पेंट का एस्टीमेट लगाना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको तो बेसिक नॉलेज हो जो पेंट का है, जो हम प्रैक्टिकल साइट में हम इसका यूज़ करते हैं, हम इसका एस्टीमेट कैसे निकालते हैं। तो इसका एस्टीमेट निकालना बहुत ही सिंपल है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि पेंट कौन कौन सा होता है। तो हमारा जो पेंट होता है, बेसिकली हमारी साइट पर जो पेंट होता है, पहले तो हम लाइम यूज़ करते थे। लाइम होता है, उसके बाद हमारा डिस्टेम्पर होता है, उसके बाद हमारा कहता है प्लास्टिक पेंट होता है, प्लास्टिक पेंट होता है, उसके बाद हमारा होता है। तो जो हमारा पेंट होता है वो फर्स्ट पहले जो हमारे हम यूज़ करते थे साइट के ऊपर, तो हम लाइम यूज़ करते थे, मतलब चूना यूज़ करते थे। उसके बाद जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, वो डिस्टेम्पर हमने यूज़ किया। उसका डिस्टेम्पर आया, उसके बाद प्लास्टिक पेंट आया, इमल्शन आया, उसके बाद एनिमल पेंट आया, अपेक्स आया और एल्यूमिनियम पेंट आया। इस तरह कई टाइप के हमारे पेंट होते हैं। तो हम फर्स्ट जो हम बात करते हैं वो हमारा क्या है, लाइम की बात करते हैं। तो हम बेसिकली लाइम का आइडिया कैसे लेते हैं। तो हमारा जो लाइम है, तो जो हम साइट के ऊपर हम लाइम यूज़ करते हैं, लाइम जो हम यूज़ करते हैं, उस लाइम में क्या करते हैं, हम लाइम लेते हैं प्लस DDL हम इसमें यूज़ करते हैं। DDL मतलब फेविकोल, फेविकोल हम यूज़ करते हैं एज ए बाइंडर मटीरियल, एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम लाइम यूज़ करते हैं। अगर हमारे लाइम का जो हमारा वॉल्यूम होता है, लाइम का हमारा वॉल्यूम जो होता है, ये हमारा होता है 5 kg, 10 kg, 20 kg। एक नोट हमने याद करना है, रखना है कि 5 kg के लिए हम DDL मतलब फेविकोल जो हम यूज़ करते हैं वो लेते हैं 250 ग्राम। DDL 250 ग्राम पर 5 kg, मतलब कि 5 किलो में हमने 250 ग्राम DDL हमने इसी में यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लाइम के बारे में। अब सेकंड हमारा आता है डिस्टेम्पर। लाइम के प्रोसेस तो सिंपल ही है, उसके बाद हम डिस्टेम्पर की बात करते हैं। डिस्टेम्पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डिस्टेम्पर, ये तो मैं आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। तो हमारा जो डिस्टेम्पर है, आपको कहीं भी पेंट के स्टोर में आपको डिस्टेम्पर की बकेट मिल जाएगी। तो डिस्टेम्पर की बकेट का जो वॉल्यूम होता है, डिस्टेम्पर की जो बकेट होती है, उसका जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो हमें गिवन होता है, 5 लीटर की होती है वो, 10 लीटर की होती है और 20 लीटर की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा डिस्टेम्पर होता है, ये वाइट कलर में होता है, ये सिर्फ वाइट कलर में होता है। वाइट कलर में हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेम्पर हम यूज़ कर रहे हैं साइड के ऊपर, डिस्टेम्पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्टेम्पर जो लेंगे उसमें हम स्टेनर यूज़ करते हैं, स्टेनर और वायलेट। जो हमारा स्टेनर और वायलेट है, स्टेनर हमारा क्या होता है, एक छोटी सी बोतल होती है, ये बोतल होती है, बोतल होती है। इसका जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो 100 मिलीग्राम का होता है। मतलब स्टेनर हमारा क्या होता है, स्टेनर की जो बोतल का वॉल्यूम होता है 100 मिलीग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेनर हमारा डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू एट्सेट्रा। हम करते हैं क्या, हम डिस्टेम्पर लेते हैं, डिस्टेम्पर साइट के ऊपर डिस्टेम्पर लेते हैं। डिस्टेम्पर में हम स्टेनर ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा पेंट बनता है। इससे हमारा क्या बनता है, पेंट बनता है, जो कि हम बाल के ऊपर हम डायरेक्ट इसका यूज़ करते हैं, 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट।
तो ये था हमारा डिस्टेंपर के बारे में। तो इसके बारे में इसके बाद हम करते हैं डिस्टेंपर, अगर हम 1 kg डिस्टेंपर हम यूज़ करते हैं, 1 kg हम डिस्टेंपर ले रहे हैं, तो इसमें हमने 50 ग्राम फेविकोल डालना है। फेविकोल हम यूज़ करते हैं, ये एक बहुत ही कम साइट के ऊपर यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास 20 किलोग्राम की बकेट है डिस्टेंपर की, इसका जो प्राइस होता है मार्केट में वो 1000 रुपीज़ होता है। 1 kg में हम 600 to 650 मिलीलीटर वाटर हम इसमें ऐड करते हैं, और 2 to 3 कोट अप्लाई करते हैं, आर अप्लाई एट 4 to 6 आवर। मतलब 1 किलो डिस्टेंपर मैंने 600 से 650 ग्राम हम वाटर इसमें ऐड करते हैं, और 2 to 3 कोट हम अप्लाई करते हैं दीवार के ऊपर 4 to 6 आवर के लिए हम उसको रहने देते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है, ये था सिंपल प्रोसीजर ऑफ। उसके बाद हमारा आता है नंबर इमल्शन, इमल्शन और समोसन। प्रोसीजर इनका समोसम और इसका प्रोसीजर हमारा, समोसम और इमल्शन का प्रोसीजर जो है हमारा सेम है डिस्टेंपर है। डिस्टेंपर हम ड्राई सरफेस के ऊपर यूज़ करते हैं, और इमल्शन जो हम यूज़ करते हैं जहाँ कि हमारा वाटर लॉकडेड एरिया होता है, वाटर लॉकडेड एरिया जहाँ कि जो हमारे की सीलिंग होती रहती है, वहाँ पे हम इमल्शन का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम भी इसका सेम है। 5 लीटर की बकेट होती है, 10 लीटर की बकेट होती है, और 20 लीटर की बकेट होती है, 20 लीटर की बकेट होती है। इसका जो मार्केट में प्राइस है 5000 के अप्रोक्स होता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेंट आता है वो हमारा आता है एनिमल पेंट, एनिमल एनिमल पेंट। तो दोस्तों जो हमारा एनिमल पेंट होता है, एनिमल पेंट जो हमारा होता है, ये हम लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, वुड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और आयरन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ लोहे वाला वर्क होता है और लकड़ी वाला वर्क होता है, उसमें हम एनिमल पेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो वॉल्यूम हमारे पास होता है एनिमल पेंट का, जो हमारा वॉल्यूम होता है 100 ml में होता है, 200 ml का होता है, 400 ml का होता है, 1 लीटर का होता है, 4 लीटर की होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनिमल पेंट को हमने पतला करना हो तो इसमें टारपेन का यूज़ करते हैं, टारपेन एज ए थिनर मटेरियल, थिनर मटेरियल। मतलब एनिमल पेंट को हमने अगर पतला करना हो तो हम टारपेन का हम इसे ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम पेंट आता है, एल्यूमिनियम पेंट आता है। एल्यूमिनियम पेंट हमारा 1 लीटर में ही होता है, इसका जो मेरा सिलेंडर होता है, सिलेंडर का बॉडी हमारे पास 1 लीटर ही होता है, और इसका मार्केट में प्राइस है 332 रुपीज़। एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम थिनर आर यूज, एल्यूमिनियम के पेंट को अगर हमने पतला करना तो एल्यूमिनियम थिनर हम इसका यूज़ करते हैं। ये तो था बेसिक नॉलेज ऑफ पेंट कि हम पेंट का यूज़ कैसे करते हैं साइट के ऊपर। अब हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एस्टीमेट लगाना बताऊंगा कि इसका एस्टीमेट कैसे लगाते हैं, कितना कितना हमारा जो पेंट है दीवार के ऊपर लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ डिसलाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।